हर जीव में कुदरत ने कुछ न कुछ विशेषताएं रखी है, चाहे वो अबोल जीव ही क्यों न हो। हर छोटे बड़े जीव में अपनी रक्षा के लिए और अपना संसार चलाने के लिए अनोखी कल्पना शक्ति की रचना की है, जिसके उपयोग से कई जीव मानवियों को भी शर्मिंदा करे ऐसे विलक्षणता से कार्य करते हैं। काफी तर पक्षियों की घोंसला बनाने की शैली एक जैसी दिखाई पड़ती है, उसमें भी अपना घर बांधने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता पक्षी हो तो वे है बया। बया चिड़िया जैसा छोटा सा चंचल पक्षी है, उसका घोंसला गुथने की कल्पना शक्ति बेजोड़ है। बया को उसकी इस कलाकारी के कारण बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में बीवर बर्ड से वे जाने जाते हैं। गर्मियों के दिन खत्म होते ही बारिश की मौसम की शुरू में बया उसके जंगल के निवास को छोड़कर बाहर खुले मैदानों में प्रवास करती है, जहां उसको घोंसला बांधने की चीज वस्तुएं जैसे घास, खजूरी के पान या बाजरे के पान जैसी वनस्पति आसानी से उपलब्ध हो। यदि बारिश नहीं होती है तो बड़े ग्रुप बनाकर तालाब या नदी के किनारे के पास जमी हुई मिट्टी में बरू जैसी वनस्पति या कांटेदार वृक्षों पर पड़ाव डालते हैं। यहाँ दिन भर काफी शोर मचाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद बारिश शुरू होती है और साथ ही नरबया के पंख पर चमक आती है, पेट और माथे के ऊपर चमकदार पीला रंग उभर आता है, जैसे शेर पर पीला मुकुट न पहने हो। पहली बारिश के बाद नर बया छोटे बड़े समूह बनाकर घोंसला बांधने के लिए खास प्रकार के वृक्ष और जगह पसंद करते हैं। सांप, बिल्ली, नेवला उनके सबसे बड़े दुश्मन है। उनसे बचने के लिए बया नदी, तालाब या कुएं के पास उगे कंटीले वृक्ष पसंद करते हैं, खास करके जिसकी डालियां पानी में झुकी हुई हो, ऐसा स्थल और वृक्ष उनकी पहली पसंद है। इसके अलावा उसे किसी भी प्रकार का भय न हो ऐसी जगह और वृक्ष पसंद करते हैं। स्थल और वृक्ष की पसंदगी हो जाने के बाद नर घोंसला बांधना शुरू करता है। नर तिनके लाना और गुथने की सख्त मजदूरी करता है। घोंसला गुथने का काम काफी उत्साह में होता है। तब कुछ फुर्सत के पल निकालकर समूह में जोरदार आवाज में गान करते हैं। बया को घोंसला गुथता देखना हो तो उससे सलामत दूरी से रहकर उसकी क्रिया पर नजर रख सकते हैं। यदि बया को आपकी उपस्थिति मालूम होती है तो घोंसला गुथना बंद कर देती है और शांत हो जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद उसे लगे कि आपकी उपस्थिति उसके लिए खतरा नहीं है तो अपने लक्षण के मुताबिक शोर मचाते हुए फिर से घोंसला गुथने लग जाएगी। बया कॉलोनी की तरह घोंसले बांधते हैं। घोंसले बनाने में मशगूल नर समूह में गीत गाते हैं। कॉलोनी में से आता है यह आवाज, कान बहरे कर दे ऐसा जोरदार होता है। मानवी भी इतनी कुशलता से गुंथन नहीं कर सकता। प्रजनन काल में चमकदार पीले रंग के मस्तिष्क और छाती वाले नर बया सचमुच में काफी सुंदर दिखता है, जबकि मादा नर से थोड़ी छोटी और निस्तेज दिखाई पड़ती है। घोंसले के अंदर का आकार गोल लटकती थैली जैसा होता है, जिसमें नीचे के हिस्से से जुड़ी हुई सुरंग जैसी नली से प्रवेश किया जाता है। यह घोंसला आसपास के घास, खजूरी जैसे वृक्षों के पान में से बनाए हुए लंबे धागे जैसी पट्टियों से गुंथा हुआ होता है।
डाली के साथ यह घोंसला ऐसी मजबूताई से बंधा हुआ होता है कि जोरों की बारिश या आंधी तूफान भी इसे अलग नहीं कर सकता। घोंसले का गुंथन भी ऐसा बढ़िया होता है कि बारिश में पानी की एक बूंद भी घोंसले के अंदर नहीं आ पाती। बयां सदा कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी की संख्या 5-6 से लेकर 40-50 की भी होती है। कभी कभी एक दो कॉलोनी भी दिखने को मिलती है। कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि घोंसला बांधने का कार्य शुरू करने के बाद कोई दूसरी अच्छी जगह मिले तो पूरी कॉलोनी आधा बांधा हुआ घोंसला छोड़कर नई जगह पर प्रवास करती है। एक कॉलोनी में आधे छोड़े हुए और पूरे बंधे हुए घोंसलों की संख्या 15, 25 या 40 से भी ज्यादा होती है। बारिश गिरती है तब पूरी कॉलोनी शांत होती है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद नहीं हुई कि शोर मचाकर फिर से घोंसले गुथना शुरू हो जाता है। बया का खास दुश्मन है मुनिया। मुनिया घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करता और बया के घोंसले पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। तब बया पंख फैलाकर मुकाबला करता है और मुनिया नाकामयाब होकर चली जाती है। नर हमेशा सीटी बजाते हुए गाते गाते घोंसले पर उतरते हैं। कभी उनके शीर से पंख कलगी की तरह ऊंचा करते हैं। एक नर अपने खुद के बनाए घोंसले पर कोई दूसरे नर को बैठने नहीं देता। यदि कोई दूसरा नर ऐसा प्रयास करता है तो उसके साथ लड़ाई होती है और उसे भगा देता है। पास की डाली पर बैठी मादा नर को घोंसला बांधते हुए देखती रहती है। घोंसला आधा तैयार होने पर नर उत्तेजित होकर पंख फैलाकर फफड़ाते हैं और बड़ी आवाज से मादा को अपने घोंसले पर आने का निमंत्रण देते हैं। तब निस्तेज और चिड़िया जैसी दिखती मादा घोंसले पर बैठती है और अचानक उड़कर पास की डाली या वृक्ष पर बैठ जाती है। तब सभी नर समूह में शोर मचाते हुए गीत गाकर मादा के प्रति आदर देते हुए स्वागत करते हैं। नर बया का ऐसा सामूहिक आदर रोमांचक लगता है। समूह गान चरम सीमा पर पहुंचते ही अचानक बंद हो जाता है और कुछ ही देर में फिर से शुरू हो जाता है। ऐसा दिन भर चलता रहता है। नर उत्तेजित होकर पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करते हैं। घोंसले आधे तैयार होते हैं तब मादा उसमें से एक घोंसला पसंद करती है। यदि मादा को घोंसला पसंद आ जाता है तो उत्साहित होकर नर की मदद करती है और नर भी आनंदित होकर पंख फैलाते हैं, जोरदार सीटी बजाता है। बाद में घोंसला पूरा करने में जुट जाता है तब मादा घोंसले की अंदर की सजावट करती है, जैसे तिनके सही करना, रुई, पंख जैसी नर्म चीजें बिछाना आदि। एक कुशल गृहिणी की तरह अच्छी तरह से काम करती है। मादा 3 से 4 अंडे देती है। घोंसले की अंदर जहां अंडे रखने की जगह है वहां कुछ हिस्से में दीवार पर कभी मिट्टी लगाई हुई होती है। बया किस कारण से मिट्टी रखती है यह अभी तक जाना नहीं गया। हम 2-3 मजले की इमारत बनाते हैं, वैसे ही बया भी कभी एक के पर एक ऐसे 2 मजले का घोंसला बनाते हैं, जिसमें नीचे नली में से ही दोनों घोंसले में प्रवेश कर सकती है।
बच्चे पंख फफड़ाने लगते हैं, तब उन पर खतरा बढ़ जाता है। बच्चे पहली बार घोंसले से मुखद्वार से निकलकर यदि ऊपर की ओर उड़ नहीं सकते तो नीचे नदी में या जमीन पर गिर जाते हैं, तब कभी मौत भी हो सकती है या अन्य प्राणी का शिकार बन जाते हैं। जाड़े के दिन शुरू होते ही नर उसका सुंदर चमकीला पीला मुकुट तथा पेट के ऊपर का पीला रंग धीरे धीरे खोने लगता है। जैसे ही ठंड बढ़ती है तब बयां छोटे बड़े झुंड बनाकर ठंड से बचने के लिए मैदान छोड़कर वापस जंगल की ओर प्रवास करते हैं। बाद में बयां के छोड़े हुए घोंसले पर अन्य पक्षी खास करके मुनिया अड्डा जमाती है और वो अपनी जरूरियात के मुताबिक घोंसले में बदलाव करती है। लगता है मानो सृष्टि के सृजन कार्य की एक श्रृंखला पाश्चात्य भूमि उतर गई और अब एक और सृष्टि चक्र बुनने लगा हो।